लखीमपुर खेड़ी च जो वायलेंस हुई जिदे विच पांच किसानां समेत अठ लोकां दी जान गई, उहदे च कौन गलत है इहदा जवाब शायद कदी भी कागजी तौर ते ऑफिशियल तौर ते किसी भी सरकार वल्लों नहीं मिलेगा। पर जदों भी कदी इदां दी कोई घटना हुंदी है धारा 144 लगा के लोकां नूं उत्थे पहुंचण तों रोक दिता जांदा। इह वीडियो है दफा 144 है कि क्यों उहनूं इंप्लीमेंट किया जाता है, किन्हां कारणां नूं मद्देनजर रखते हुए और किन्ना यूज और किन्ना मिसयूज इस धारा का हो रहा है। अगर सैक्शन 144 की डेफिनेशन ते जाइए तो डेफिनेशन च एक टर्म आती है अनलॉफुल असेंबली ऑफ पीपल, उन्हें रोकने के लिए चार तो ज्यादा लोग पांच तो ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, उन्हें रोकने के लिए इस धारा इंप्लीमेंट कर दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बेसिस से कि अगर ये लोग इकट्ठे हुए ता ए कोई वायलेंस कोई पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ उस वायलेंस का खदशा करते हुए सिर्फ एक एप्रीहेंशन दे बेसिस ते ही। सो लॉ एंड ऑर्डर नू मेंटेन करन दे लई एक धारा लागू करती जाती है ताकि पब्लिक डिसऑर्डर ना होए और जो उत्थों दा मैजिस्ट्रेट हुंदा उस डिस्ट्रिक्ट दा उस एरिया दा उन्हू सारी पावर दे दी जाती है टू डिस्पर्स पीपल, लोगों नू उत्थे आउण तों रोकना, कोई भी शार्प वैपन या कोई लाठी तक भी लोगों के कोल नहीं होनी चाहिए, चार तो ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए किसी भी वे दे नाल, बाय द यूज ऑफ पुलिस बाय द यूज ऑफ आर्मी उन्हां प्रोटेस्टर्स नूं या उन्हां लोगों नूं जो चार तो ज्यादा इकट्ठे होणगे उन्हां नूं डिस्पर्स करना मैजिस्ट्रेट की जिम्मेवारी हुंदा। और ये तारा की जो म्याद आ जो इहदी वैलिडिटी आ उह 2 महीने और 2 महीने तो अप टू 6 महीनों तक स्टेट उन्हें एक्सटेंड कर सकती है, मतलब 6 महीनों तक लोगों पर बंदिश लगाई जा सकती है कि तुसी गैदर नहीं हो सकते तुसी कट्ठे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि लोगों का कट हो सकता है स्टेट दे लई उस जगह दे लई खतरा होवे कोई वायलेंस इरप्ट हो सके वगैरह वगैरह। हुण सवाल आंदा है कि धारा बनाई किने सी, हु मेड दिस लॉ। वडोदरा स्टेट जो गोरियां दा राज सीगा ब्रिटिश रूल चलदा सी भारत दे विच 1861-1860 कारण की सी क्योंकि इस तारा दे बनन दे नाल क्राइम रेट वडोदरा दे विच बहुत घट गया सी। इसे करके ही तारा 144 नू मोस्ट ऑफ द टाइम्स ड्रेकोनियन लॉ कलोनियल इरा लॉ बोलिया जांदा है बिकॉज एक बहुत सख्ती नाल भारत च लागू की जाती है और इहदा नेचर ही यह है कि लोगों नू रिस्ट्रिक्ट करो एक एरिया दे विच कट्ठे होण तों। और हमेशा ही अगर आप इस चीज दे विच देखिए खास तौर पर 144 एंड अदर लॉज जिहड़े गोरियां दे टाइम तो ब्रिटिश राज दे उस टाइम तो ही बने हुए चले आ रहे ने। और इत्थे गल दसन योग है कि इंग्लैंड दे विच जिन्हां दे राज दे विच इंडिया च लॉ बनिया उन्होंने 1986 दे विच 144 सैक्शन इंग्लैंड दे विच एबॉलिश करता सी उत्थे खत्म कर दिता सी। बहुत लोगों नूं इह कन्फ्यूजन हुंदी है कि तारा 144 एंड करफ्यू सेम हुंदे है जबकि 144 दा कहना सिर्फ यह है कि चार तो वध लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, जदों इस चीज दा खदशा होवे कि कोई भी पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट हो सकता है तां मैजिस्ट्रेट यह ऑर्डर करदा। पर जिहड़ा करफ्यू है करफ्यू दे विच बिल्कुल ही लोगों की मूवमेंट नूं बंद कर दिता जांदा है एब्सोल्यूट एमरजेंसी नूं समझदे होए लोगों की मूवमेंट नूं, जिस तरह कोरोना वायरस च भी देखिया गया कि हिदायतां आउंदियां सीगियां कि एने तो एने दुकाना खुलणगियां उस टाइम लोग घरों तो निकल के अपना जरूरी जो समान है वह खरीद सकते हैं। सो करफ्यू दे विच बिल्कुल ही बैन हुंदा है आम सिटीजन्स दा आम लोगों का घर तो बाहर निकलना, बट इन सैक्शन 144 लोगों की गैदरिंग ते रोक लाई जाती है भी लोग इकट्ठे नहीं हो सकते इकट्ठ नहीं किया जा सकता। धारा 144 दे अंदर ही ए भी प्रोविजन बनती है कि सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट या इंटरनेट सर्विसेज नू बंद किया जा सकता है चाहे वह मोबाइल इंटरनेट होवे ब्रॉडबैंड SMS वॉइस कॉल और ईवन लैंडलाइन जो फोन कॉल्स आ वह भी बंद कर दित्तियां जांदियां ताकि कोई मूवमेंट लोगों की गैदर होके ना पनप सके। बहुत बारी यह सवाल उठाया जाता है कि जो 144 सैक्शन है ये आउट ऑफ फीयर एक सरकार का डर ही हुंदा है कि लोग कट्ठे होके एक पब्लिक डिसऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ उस डर के कारण ही ये एडा वड्डा लॉ एडा वड्डा एक रूल लोगों के उपर थोप दिता जाता है कि तुसी गैदर नहीं हो सकते। सो आउट ऑफ जस्ट एक फीयर एक पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੁਛ ਔਰ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਕਲੈਕਟਿਵਨੈਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਧਾਰਾ 144 ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼। ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਪੇੜ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 370 ਖਤਮ ਕਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਰਪਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ NTCA ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਐਂਡ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 144 ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਧਾਰਾ 144 ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਟਿਵਨੈਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਖਨਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਾਲੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੇਪ ਵਾਲੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਧਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਟਸੈਲਫ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੁਛ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ।